अच्छा जी, इसमें लिखा है कि बिफोर वी फिनिश द चैप्टर वी नीड टू हैव अ वर्ड अबाउट प्रोग्रामिंग स्टाइल। प्रोग्रामिंग के स्टाइल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेगा ये, ठीक है। ऑब्वियसली द पॉइंट ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ टू मेक इट टू डू व्हाट इट इज़ सपोज टू डू, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम आप जब लिखते हो उसका मकसद यही होता है कि कुछ आपने काम करवाना है कंप्यूटर से, बट द स्टाइल ऑफ द प्रोग्राम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो आपके प्रोग्राम का स्टाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे, जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि आपका कोड, योर कोड शुड बी क्लियर और कंसाइज, साफ सुथरा होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। मोबाइल सारे ना ऊपर रख दें, टेबल के ऊपर जल्दी से रख दें, हाँ ऊपर रखें, सामने नीचे कोई झोली में डाल के ना बैठे उसको। ठीक है, अच्छा। योर कोड शुड बी क्लियर एंड कंसाइज एंड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट इन द वे इट फॉलोज कन्वेंशंस। कन्वेंशंस ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आप गए और वहाँ पे पहले से ही एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या वेब बेस कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, वो कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कैमल केस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, कोशिश नहीं, आपको करना यही चाहिए कि जो वो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वही करो। आप उनसे लड़ाई नहीं कर सकते जाके कि मैं तो कैमल केस यूज़ करूँगा, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि फिर इस तरह ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट पे 100 लोग काम करें तो 100 लोग अपने अपने तरीके से कोड करेंगे, तो ये जो है ना बुरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इस तरह एक दफ़ा हम इंटरव्यू ले रहे थे तो एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, उसको फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। उस बंदे का इंटरव्यू क्लियर हो गया था, उसने ये बोला ना कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, हमने रिजेक्ट कर दिया उसको। वो क्यों, क्योंकि हमें पता था कि वो फ्यूचर में जाके पंगे करेगा कि मैं तो ऐसे लिखता हूँ, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो। जहाँ आप आ रहे हो आपको वो चीज़ उसकी फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप अपना कोड लिख रहे हो, शुरू से लिख रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, ठीक है, आप बताओगे कि कैमल केस यूज़ होना चाहिए क्या। लेकिन आप दरमियान में जा रहे हो, एक चीज़ चल रही है उसके दरमियान में जा रहे हो, तब आप चेंजिंग नहीं करवा सकते। आप करवा भी सकते हो कि अगर काम कम हुआ हो तो आप पिच कर सकते हो कि भाई कैमल केस यूज़ करो। मैं कैमल केस की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आप बीच में बोल सकते हो। अगर काम कम है तो बंदा पीछे से जाके रीफैक्टर करके काम कर लेगा, लेकिन अगर काम ही बहुत सारा हो गया, साल से काम हो रहा है, आप जाके बोलो कि नहीं ऐसे होगा, तो वो आपको ही बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फ्रॉम द नेम्स यू चूज फॉर वेरिएबल्स टू द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस यू लीव बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ कोड। अभी उसी की बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप नेमिंग कन्वेंशन रखते हो, वो ये सारा कन्वेंशन में आता है, ठीक है। नेमिंग हो गई, वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखने, वाइट स्पेसिंग क्या होती है भाई जी, क्या हुआ, वाइट स्पेसिंग क्या होती है भाई, बताया कोई, हाँ पता है किसी को वाइट स्पेसिंग, नहीं, हाँ उसमें भी आप वाइट स्पेस दे सकते हो। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये, ठीक है, ये जो अगर आप इसको हाईलाइट करो तो ये आपको चार डॉट नजर आ रहे हैं, मतलब चार दफा, एक दो तीन, ठीक है, और सेम इसी तरह आप एक टैब दबा दो तो ये पूरा चार स्पेस का एक टैब हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप पेरेंट वाला टैग लिख रहे हो और जो आप चाइल्ड टैग लिखोगे उसमें चार दो टैब्स का फ़र्क होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि दो स्पेस का फ़र्क होना चाहिए, तो ये भी बड़ा मैटर करता है भाई, उनकी कन्वेंशन है, वो जिस तरह कोड रखना चाहे रख सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सारा कोड एक ही लाइन में लिख दो, ये तो बैड प्रैक्टिस है। इस तरह करके कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, इस तरह आप नहीं कर सकते, ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट में हमने प्रीटियर डाला हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रीटियर से करवा लेंगे, प्रीटियर के अपने कुछ रूल्स होते हैं, सही है, तो वो रूल्स ऑटोमेटिकली इसमें डाल रहा है। लेकिन कभी वो कहते हैं कि भाई टैब जो है ना वो दो स्पेसेस का होना चाहिए, यहाँ पे चार का आ रहा है ना दो का हो, तो वो भी आपको फिर देखना पड़ता है भाई कि ऐसे ही होगा, वरना वो आपका कोड ही एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है।
ये बड़े स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करते हैं बाहर, अब पाकिस्तान में लोग कम ही इसको करते हैं इस तरह, सही है। अच्छा, योर कोड शुड ऑल्सो बी ईजी टू रीड एंड इंक्लूड कमेंट्स एंड एक्सप्लेन द कोड, डस कमेंट्स भी डालो आप, ठीक है। आप कोई कोड लिख रहे हो तो आप ऊपर कमेंट्स भी डालो कि भाई ये कोड इसलिए लिखा था मैंने, ठीक है। कल को कोई दूसरा काम करने आया या आप ही 3-4 महीने बाद उस पर काम करें तो आप कमेंट को देख के पढ़ लें कि इस कोड में क्या होगा, सही है। तो जब आप अब जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट्स बनाएंगे ना तो उसमें आप कोड्स वगैरह वो कमेंट्स वगैरह भी डाला करेंगे, ठीक है। नहीं डालेंगे तो इसके मार्क्स चले जाएंगे। यू शुड ऑल्सो बी लुकिंग टू इम्प्रूव योर कोड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू फॉलो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीफैक्टरिंग। जब आप अपने कोड को इम्प्रूव करते हो उसके अंदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक काम किया वो 10 लाइनों से हो रहा था, ठीक है, आपने वो काम कर दिया, काम चलने लग गया, आप जो है ना महीने बाद आप गए, आपने कहा कि अब मुझे इसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ये 10 लाइनें लिखी है मैं चाहता हूँ कि मैं 7 लाइनें कर दूँ, तो इसको क्या कहते हैं, रीफैक्टरिंग, सही है। कि आपने नाम ही नेम कन्वेंशन चेंज कर दिया, स्पेसिंग दे दी या लॉजिक में ही लाइनें कम कर दी कोड की, तो उसको क्या कहते हैं, रीफैक्टरिंग। एंड शुड बी डन रेगुलरली सो दैट योर कोड स्टेज अप टू डेट एंड डजंट बिकम स्टेल। कह रहा है कि जो रीफैक्टरिंग है ना वो आपको रेगुलरली करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका कोड पुराना ना हो जाए, ठीक है। स्टेल का मतलब बासी होता है। अच्छा, एंड इन अभी एक और बात कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन प्रोग्रामिंग इज द रूल डोंट रिपीट योर सेल्फ और ड्राई। दिस मीन्स दैट यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग टू अवॉइड रिपीटिंग स्लॉट्स ऑफ कोड। मतलब के फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया है, जो हमने कल एक फंक्शन बनाया था ना यहाँ पे, कहाँ ये बनाया है ना, अच्छा यार इसको रीनेम कर देते हैं हम इस तरह लेके चल रहे हैं तो, अच्छा अच्छा वो कह रहे हैं कि ड्राई का क्या मतलब है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आपने चेंज का एक फंक्शन बना दिया है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हो। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जब दोबारा बॉडी का कलर इस तरीके से चेंज हो कि हम रेंडम कलर उठाएं और उसमें काम करें, तो आपको क्या चाहिए, आप इसी फंक्शन को यूज़ करो। अब आप इसको आप जितनी दफ़ा यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये यही होता है ड्राई प्रिंसिपल के, डोंट रिपीट योर सेल्फ, सही है। जब आप किसी को अपना कोड भी दिखाओगे जिसके अंदर आपने ये काम नहीं किया होगा कि आपने बार बार एक ही चीज़ को काम करने के लिए बार बार वही कोड सेम टू सेम लिख रहे हो, तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो वो बैड कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने फंक्शन बना दिया या एक कोड कहीं रख दिया उसको आप बार बार यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने डेट मालूम करनी है आज की डेट क्या है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आपने एक दफा कोड लिखा वो फंक्शन बना के रख दिया, अब उस फंक्शन को आप क्या करते हो, इंपोर्ट कर लो भाई, आपने इस फाइल में करना है, आपने स्क्रिप्ट लगाई वो फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा, अब आप उसको यूज कर लो, ठीक है। इस तरह आपके बहुत सारी फाइल्स हैं उन्होंने आपने यूज किया हुआ है, कर सकते हो आप, ठीक। कोई सवाल नहीं है क्या होता है रीफैक्टरिंग, क्या होती है बताएं, सही भाई। और ड्राई अभी बताया ना मैंने, डोंट रिपीट योर सेल्फ, कौन बताएगा ड्राई, फंक्शन की मैंने एग्जांपल दी है, आप अगर किसी को बताओ तो आप बोलो कोड, ठीक है। आप कोड में क्या हो सकता है, एचटीएमएल का फॉर्म भी हो सकता है, एक दफ़ा बना लिया अब उसको बार बार यूज़ कर लो, सही। अच्छा, फॉलोइंग द प्रिंसिपल विल हेल्प यू हेल्प मेक योर कोड मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट। जब आप ये कर लोगे ना तो इजी हो जाएगा, आप उसको मेंटेन भी कर सकते हो, बड़ा कोड होता जाएगा आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो, कुछ चेंजेस आए आप उसको अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सीएसएस का वेरिएबल है,
आपने एक दफा बनाया कि बैकग्राउंड कलर आपका बटन का बैकग्राउंड कलर है, आपने सेट कर दिया, अब आप उसी को बार बार यूज करोगे, ठीक है, आपको वो कहता है कि भाई मुझे तो ये कलर ही नहीं चाहिए, पूरी वेबसाइट में जितने भी बटन हैं इसका कलर कुछ और होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप एक एक की सीएसएस तो चेंज नहीं करोगे, आप जाओगे सीएसएस का जो वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू चेंज कर दोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी उसी की चीज़ है ना ड्राई, कि आप रिपीट नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप एक जगह चेंज करते हो सब जगह चेंज हो जाता है, सही। अच्छा, इट्स ऑलवेज ईजियर टू चेंज वन बिट ऑफ कोड देन हंड्रेड, यही बात बोले ना कि एक बिट को आप चेंज कर लो ज़्यादा अच्छा है कि आप 100 जगह पे चेंज करो, ठीक है। इफ दिस साउंड्स अ बिट लाइक प्रोग्रामर्स आर लेजी देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रामर्स लेजी होते हैं कि वो बार बार काम नहीं करना चाह रहे, एक ही जगह पे चेंज करें सब जगह चेंज हो, तो वो कह रहे ठीक है, हैं वो। A good programmer will always be looking to write code that does the job in the most efficient and elegant way possible. जो भी good programmer होगा वो कोशिश करेगा कि ऐसा code लिखे जो कि efficient हो और elegant way में लिखे, अच्छे तरीके से लिखे, ठीक है। Less code means less change of chances of bugs and easier to maintain. जितना छोटा कोड होगा उतने कम बग्स आएंगे। अगर 100 लाइनों का कोड है और उसके मुकाबले में 50 लाइनों का कोड है तो बग जो एरर्स हैं वो 100 लाइनों में ज़्यादा आएंगे, ठीक है, उसमें कम आएंगे। 100 में जब ज़्यादा आएंगे तो जब आप 100 लाइनों को पढ़ोगे बार बार तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 50 को पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि अ गुड प्रोग्रामर डजंट जस्ट अपीयर इंस्टेंटली, ठीक है, इट इज स्टार्ट एज अ प्लेन एंड ग्रोज ऑर्गेनिकली इन टू इट्स फिनिश स्टेट। वो ये कह रहा है कि एक दिन में तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, आप स्टार्ट करते हो और आहिस्ता आहिस्ता आप ऑर्गेनिकली का मतलब होता है नेचुरली जो ग्रो करना होता है ना, एक तो होता है ना कि आप पौधे को उगा रहे हो उसमें आपने खाद डाली और वो बड़ा हो गया जल्दी से, एक होता है कि वो नेचुरली बड़ा हो रहा है, तो ये नेचुरली ऑर्गेनिकली मतलब कि आप एक जगह जाते हो कुछ सीखते हो, एक जगह जाते हो कुछ सीखते हो, इस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, ठीक है। तो एक दिन में तो कोई भी प्रोग्रामर नहीं बन सकता, अच्छा एक दिन में प्रोग्रामर भी नहीं बन सकते और अच्छा तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। डेवलपिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी कोई आप प्रोग्राम लिखते हो ना इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, जब भी आपको मैं कोई टास्क दूँ तो आपको उसको ऐसा नहीं सोचना कि ये मैंने कोई आपको कोई बहुत बड़ी बला दे दी है, आपको ये सोचना है कि एक प्रॉब्लम है मुझे उसको सॉल्व करना है, सही है। तो आप अब कोड के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, एंड सम टाइम्स यू विल मेक सम रॉन्ग टर्न्स एंड गेट स्टक, वो कह रहे हैं कि कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो आप गलत चीज़ इस्तेमाल कर लोगे और आप फंस जाओगे उधर, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो रही होगी, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, होता ही है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर टू मेक चेंजेस एंड अडॉप्ट, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी एक चीज़ में आप फंस गए तो आप ये तो नहीं बोलोगे मैं नहीं कर रहा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, आप दूसरी ट्राई करोगे, दूसरी तीसरी ट्राई करोगे, पूरा दिन ट्राई करते रहोगे, ठीक है, नहीं होगा अगले दिन आओगे फिर ट्राई करोगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना। तो बस अ गुड प्लान एंड वेल कमेंटेड कोड दैट फॉलोज द ड्राई प्रिंसिपल स्टॉप योर कोड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स मैस दैट्स इम्पॉसिबल टू फॉलो एंड कॉम्प्रीहेंड। वो ये कह रहे हैं कि जो वेल कमेंटेड कोड होगा जिसके अंदर आपने कमेंट्स लिखे होंगे, ठीक, और आपने ड्राई प्रिंसिपल यूज़ किया होगा कि डोंट रिपीट, आपने कुछ भी रिपीट नहीं किया होगा, तो उसमें क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, ठीक है, और आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है भाई। किसी को कोई सवाल है? यह सब ऊपर से गया है, ये समझ आई चीज़ें, अच्छा हुआ ना कि आपको ये चीज़ें पहले पता चल गई। अब ये चीज़ें आपको एक दफ़ा घर जाके भी पढ़नी है, ठीक है, कि प्रोग्रामर का माइंडसेट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके कोर्स से बच्चे भाग गए, सीएसएस से भाग गए ना, वो डर गए, उन्होंने बोला पता नहीं क्या है ये, और आपको पता है कि 10-10 साल के बच्चे जो है सीएसएस के ऐसे मास्टर हैं आजकल, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, वो भाग गए, ठीक है, उनको लग रहा था कि हम जाएंगे सीआईटी की तरह या किसी भी वर्ड की तरह हम आइकन उठाएंगे काम करेंगे, वो जगह वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना, बनी हुई चीज़ को आप यूज़ करो, इसमें आप चीज़ें खुद बनाते हो। तो अगर अभी भी वो ये सोच रहा है कि जावास्क्रिप्ट मुश्किल है मैं भाग जाऊं, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सब्र करे, उसने खुद ही लिखा है ना कि जो प्रोग्रामर है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है, ये तो नहीं एक क्लास में बन जाएगा, ठीक है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी के 4 साल लगा देते हैं, उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो फिर जाके बैंक में कैशियर बन जाते हैं, ठीक है, वो भी तो है ना,
पैसा भी जाया करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे जानने वाले दोस्त हैं, क्लास फेलो थे, वो नहीं बन पाए प्रोग्रामर, ठीक है। उनको लगता है कि बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है, वो बन जाते हैं कैशियर, बन जाते हैं फिर क्यूए बन जाते हैं, क्यूए तो बन जाते हैं, वो टेस्टर बन जाते हैं, या कोई मार्केटिंग में चला जाता है, तो फिर वो जो 4 साल होते हैं ना वो ज़ाया हो जाते हैं, सही है। अगर आप टेक्निकली जाते ही नहीं हो कहीं पे तो क्या फ़ायदा आपको 4 साल पढ़ने का, ठीक है। अच्छा भाई, ये चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है ट्राई राइटिंग सूडो कोड। आपको सूडो कोड लिखना है टू डिस्क्राइब सम कॉमन टास्क सच एज ब्रशिंग योर टीथ और राइडिंग अ बाइक। अब सूडो कोड की एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है, अब आपने से एक, ये जो दो है ना इनमें से एक पे लिखना है, ठीक है, किसी पे भी कोई लिख ले, राइडिंग अ बाइक या फिर ब्रश योर टीथ, ठीक है, ये दोनों चूज कर ले, एक लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चैलेंज है आपके पास, राइट सूडो कोड दैट विल फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। चलो इसको भी ट्राई करना, देखते हैं क्या आता है आप लोगों के सेंड में, ठीक है। इंटरनेट तो आप लोग यूज कर ही सकते हो, तो कोशिश करना कि आपने क्या करना है, एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, उसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करना है वो अब आप लोग के ऊपर है। अच्छा भाई, दूसरा है ट्राई लॉगिंग सम डिफरेंट मैसेजेस टू द कंसोल यूजिंग कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग लॉग यूज करके आपने कुछ मैसेजेस प्रिंट करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कोडिंग चैलेंज आ, कोडिंग के वो आ रहे ना, तो आपने कोड पेन यूज करना है, ठीक है। आप सर को दोगे कोड पेन, सर ओपन करेंगे और आंसर उनको नीचे मिल रहे होंगे, ठीक है ना। फाइल अपलोड नहीं करनी, कोड पेन यूज करना है, ठीक है। यू कैन सी माई कोड पेन हेयर, और ये इसने दिया भी है यहाँ पे, सही है। कोड पेन बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। क्लास के एंड में सब अपने अकाउंट बना लीजिएगा, मैं जो क्यूरी होगी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोड पेन पे बनाएंगे ना इजी हो जाएगा, जिस तरह आप गिटअप पे कोड शेयर करते हैं उस तरह आप चलती हुई चीज़ सर के साथ शेयर कर देंगे, सर क्लिक करेंगे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंट बनाना ज़रूरी है ताकि सेव हो जाए चीज़ें, सही। चौथा टास्क, एड मोर कलर्स टू द एरे। वो जो हमने कलर्स का वो बनाया ना लिस्ट, उसके अंदर मोर कलर्स, और भी कलर्स ऐड करो, बस सही है। ये 4 टास्क हैं, और कोशिश कीजिएगा कि इसको जाते ही कर लें, इसलिए ताकि ये जो चीज़ें ना आपके दिमाग में रहें तो ज़्यादा ड्रैग ना करें, इसके लिए आपको दिन भी कम ही मिलेंगे आप, सही है। अच्छा भाई, अब वो कह रहे हैं कि हम समरी देख लेते हैं। समरी क्या है? एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। सूडो कोड इज यूज टू राइट प्रोग्राम्स विदाउट यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सूडो कोड जो हम लिखते हैं उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, क्या जावास्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प, सी, कुछ भी यूज़ नहीं होता, ठीक है, बस एक कोड होता है। जावास्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन, ये तो आप लोगों ने पढ़ना था, चलो इसका टीजर दे देते हैं। जावास्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन 1995 एंड इज कंसिडर्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ द वेब, ठीक है। वेब, कोई भी वेबसाइट होगी ना वो जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं बनी होगी, सही है। JavaScript's main environment is the browser, but it can also run in other environments, ठीक है। जो main environment है ना JavaScript, जहाँ पे चलती है, वो कौन सा है? Browser, जो Chrome हो गया, Firefox हो गया, Edge हो गया, Safari हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी चल सकती है। जब हम next module में जाएंगे ना तो हम Node.js use करेंगे, तो Node.js तो browser में नहीं चलता, वो तो console में चलता है, ये console है ना, इसमें चलता है, तो आपकी JavaScript इसमें भी चलेगी, ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट है, अच्छा सेकंड लास्ट है, ईच वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट हैज टू बी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर वर्जन्स। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हुए हैं 2024 में, ठीक है, तो जो 2023 की चीज़ें होंगी ना वो आपको याद होंगी या भूल गए होंगे? तकरीबन याद होंगी ना चीज़ें, ऐसे ही है नहीं? या अगर 2023 में आपने कुछ ख़रीदा है तो वो 2024 में भी आपके पास ही होगा। तो सेम अगर कोई जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन आता है ना तो वो पुरानी चीज़ें भी अपने साथ रखता है। ये मैंने आपको CSS में भी बताया था कि जो नया वर्जन आता है वो पुरानी चीज़ें भी साथ लेके रखता है। लेकिन अगर पुरानी चीज़ को बिल्कुल ही डिलीट कर दिया उसने, बिल्कुल ही मतलब डिलीट करके कोई नई चीज़ डाल दी, तब तो वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर पुरानी चीज़ मौजूद है
तो वो जरूर होगी उसके अंदर, सही है। कोड शुड बी ईजी टू रीड एंड रेगुलरली रीफैक्टर टू कीप इट रनिंग स्मूथली, ठीक है। वो जो पूरा हमने पढ़ा था ना उसका एक लाइन में उसने बता दिया कि भाई कोड जो है ना वो ईजी टू रीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम करना है कि गेट माई रिजल्ट, ठीक है, गेट माई रिजल्ट एक फंक्शन है, ठीक है। आप ये लिख दो कि गेट माई रिजल्ट फॉर क्लास थ्री, कौन सा सही होगा, गेट माई रिजल्ट या गेट माई रिजल्ट फॉर क्लास थ्री? हाँ, क्या बोल रहे, अच्छा अच्छा मेरी नज़र में कौन सा सही होगा, गेट माई रिजल्ट। क्लास थ्री तो स्पेसिफिक हो गया ना, मुझे फोर का चाहिए तो मैं नया फंक्शन बनाऊंगा। इस तरह की चीज़ें हैं कि ये आपको देख के करनी होती है, ठीक है। अगर आप फिर तो क्लासेस हो जाएंगी दस, तो यही बन जाएंगे वन से लेके टेन तक, फिर उधर पीछे चले जाओ चार और बन जाएंगे, चौदह फंक्शन बन जाएंगे और काम एक ही हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, एक ही फंक्शन बनाना है, ठीक है। अच्छा और भी है, रिमेंबर द ड्राय प्रिंसिपल व्हेन कोडिंग। कोशिश आपने 99% करनी है कि इसको फॉलो करें। अगर 1% हो रहा है कि रिपीट हो रहा है तो आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टक ही हो जाओ कि रिपीट ही नहीं कर रहा, लेकिन ये 1% है 100 में से, ठीक है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग एट सम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, लेट्स गेट गोइंग, ठीक है भाई। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम इंडेक्स पे चले जाते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। अजान कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ हो रही है, मैं कोई सवाल, दोबारा बोलो कौन सी एप्लीकेशन, जावा तो अलग लैंग्वेज है ना, तो जावा तो अलग है। आप जब जावा की बात कर रहे हो तो जावा, जावा अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लें आप। वो जावा होती है ना, एंड्रॉयड में जावा यूज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाते हो जिसके अंदर आप रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हो तो वो अलग पार्ट है, उसके अंदर HTML होती है। लेकिन जो आप एंड्रॉयड की बात करो, ये हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे अगले वाले मॉड्यूल की चीज़ें हैं, तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को भी। कोई सवाल फिर मैं कर लूँगा सवाल। इसमें मैं क्या बताऊँ, बताओ, इतना बड़ा पैराग्राफ है, हैं? एक कोर्स करके भी कोई प्रोग्रामर नहीं बन सकता, ठीक है। होते हैं कुछ लोग दो दफ़ा पढ़ते हैं फिर समझ आती है, कुछ लोग आधे में ही समझ जाते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, या उनकी बिल्ड कैसी है, मशीन कैसी है उनकी। नहीं, मैं तो 5-6 दफ़ा है ये। अच्छा, इन द लास्ट चैप्टर वी वर इंट्रोड्यूस टू प्रोग्रामिंग एंड वी इवन गॉट अवर हैंड्स डर्टी राइटिंग अ फ्यू प्रोग्राम्स। In this chapter, we are going to look at some of the basics of programming and write some more programs. अब हम basics देखेंगे और कुछ programs लिखेंगे, ठीक है। We will cover the following topics: commenting your code, जो कि आप लोग को पता है, programming grammar, programming की grammar क्या होती है, इसमें भी tenses होते हैं, पता है आप लोगों को, होते हैं? फिर हाँ क्यों बोल रहे हो भाई। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स और पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं, जितने भी पॉपअप बॉक्सेस होंगे वो ये कवर कर लेगा, ठीक है। एक तो हम पढ़ के आ चुके हैं, कौन सा, अलर्ट। अच्छा भाई, कमेंट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? हाँ भाई बताएं, तो बताओ ना,
भाई ये हमने कोड लिखा है, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ इंग्लिश में, इसको कमेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा, मैंने कहा भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि पिकिंग अप द बटन, ये भी ना हो कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, सारा टाइम इसी में लगा दें। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें इंग्लिश की कोई वो नहीं होगा। पिकिंग अप द बटन हैविंग द आईडी इज इक्वल्स टू बटन वन, ठीक है भाई। इस आईडी से आप पिक कर रहे हो, ये आपने कमेंट दे दिया, ठीक है। या आप बोल रहे हो कि भाई डिफाइनिंग कलर्स लिस्ट, ठीक है भाई, इसमें आपने क्या किया, ये किया। और इधर आप लिख रहे हो कि भाई ठीक है भाई, इसमें आप क्या करो, ये होते हैं कमेंट्स। अब कोई आएगा ना, वो देखेगा अच्छा भाई इसने क्या किया कि बटन को पिक किया और आईडी ये थी, अच्छा फिर वो कोड देखेगा, वो कोड देखेगा अच्छा भाई इस कोड का मतलब ये है कि हम बटन को पिक कर सकते हैं और उस पर कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर एक और कमेंट डाल दो, ठीक है। यहाँ आपने लिखा कि भाई आपने क्या किया, अटैच्ड इवेंट लिस्नर, ठीक है भाई, आपने एक इवेंट लिस्नर को अटैच किया है, तो भाई यही कमेंट होता है, ठीक है। मैं पढ़ भी देता हूँ आपको ये क्या कह रहा है। द फर्स्ट टास्क ऑन योर जर्नी टू बिकमिंग अ प्रोग्रामर इज लर्निंग हाउ टू कमेंट योर कोड। कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग आर सिमिलर टू मार्जिनल नोटबुक्स इन अ नोट्स इन अ बुक, ठीक है। कोई बुक आप पढ़ रहे होते हो ना, अगर आप उसके ऊपर कुछ लिख रहे होते हो नोट्स वगैरह, कुछ पेंसिल से थोड़े बहुत नोट्स लिख देते हो, तो वो कमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। दे आर नोट्स दैट एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द रेशनल ऑफ द कोड, ठीक है। जो कमेंट है ना वो बता देता है कि भाई इस कोड में क्या हो रहा है, आप कोड देखो या ना देखो, ठीक है। तो फिर अगर वो कोड नहीं चल रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है जो चेंज करता है बैकग्राउंड कलर, अब ये चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं कमेंट पढ़ लूंगा ना तो मुझे समझ आ जाएगा अच्छा यही कोड है जिससे कलर चेंज होता था, अब नहीं हो रहा तो मुझे इसी लाइन पर फोकस करना है, मुझे वो और पूरे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, ये अच्छी बातें बता रहे, ठीक है। बोर हो रहे हैं तो जाके एक गिलास पानी पी के आ जाए, ठीक है। दिस मे सीम्स अ स्ट्रेंज प्लेस टू स्टार्ट बिकॉज कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जब ये जो कमेंट्स हैं ये तो कहीं डिस्प्ले नहीं होते ना, जब आपका इंटरप्रीटर जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रीटर होता है रीड कर रहा होता है और वो देखता है कि भाई ये है, तो इसका मतलब इसको तो आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी बंदे ने अगर सिंधी में लिखा हो तो उसको क्या पता कि सिंधी में लिखो या पश्तो में लिखो, किसी भी जुबान में लिखो, ठीक है, आपको समझना है कोड, ठीक है। हाँ अगर सारे पठान उस प्रोजेक्ट पे काम करें तो पश्तो में कमेंट लिख दो, मसला नहीं है, सही है। अब कोई और आ गया तो उसको समझ नहीं आएगी, वो अलग बात है, ठीक। तो एक लैंग्वेज चूज कर लो, उसमें कमेंट्स लिख दो आप, ठीक है, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पश्तो हो, सिंधी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि वो इग्नोर हो जाते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग, ये कुछ करते नहीं है, डिस्पाइट दिस कमेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये कुछ करती नहीं है लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल कमेंटेड कोड इज द हॉलमार्क ऑफ द स्किल्ड प्रोग्रामर, जो वेल कमेंटेड कोड होता है ना, जैसे ही पहले दफा आपका कोई कोड देखेगा ना, आप कहीं जाते हो कहीं जॉब के लिए, आप बोलते हो ये मैंने कोड लिखा है, अगर आपने बहुत सारे कमेंट्स डाले होंगे ना, वो फौरन जो है ना इम्प्रेस हो जाएगा, अच्छा भाई ये तो कमेंट्स लिख के इसने अपने पूरे कोड को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको रखेंगे तो ये हमारे कोड को कचरा नहीं बनाएगा, ठीक है। वेल कमेंटेड कोड इज द हॉलमार्क ऑफ स्किल्ड प्रोग्रामर, कमेंट मेक इट इजियर फॉर एनीबडी रीडिंग योर कोड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल कोई आया जो कि सीएसएस में ही भाग गया था, ठीक है, आप उसको अपना कोड दिखा रहे हो, उसको तो नहीं पता ये जावास्क्रिप्ट क्या है क्योंकि उसने पढ़ी नहीं है, लेकिन वो जब ये पढ़ लेगा वो बोलेगा अच्छा ये जो कोड है ना ये क्या करता है, बैकग्राउंड कलर चेंज करता है, उसको इतना तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात है, जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं या आपका कोड रिव्यू कर रहे होते हैं, जो इंटरव्यूज लेते हैं ज़्यादातर वो तो टेक्निकल नहीं होते, तो अगर वो कोड के कमेंट्स देख के समझ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा कह रहे कमेंट
let's make it easier for anybody reading your code to understand what's going on, including you. आप भी इसमें include हो, क्योंकि आप भी अगर आते हो और बहुत काम कर रहे हो तो आप भूल जाते हो आपने यहाँ पे क्या code लिखा था. You will be thankful you commented your code when you come back and to read it after a few weeks. आप जो है ना शुक्र गुजार होंगे मेरे कि अगर आप आए few weeks के बाद और दोबारा उस code को देखें, उसमें आपने comments लिखे होंगे तो आपको easily चीज़ें समझ आ जाएंगी. You need to write an essay though, but just enough so that it's clear what the code is supposed to. You don't need to, okay? कोई पूरा पैरा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है एक लाइन के कोड के ऊपर कि मैंने क्या किया था, मैंने कहाँ से कॉपी किया था, फिर इसका नाम चेंज किया था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा भाई. दूसरा है हाउ टू ऐड कमेंट्स. भाई इस तरह ऐड होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स. अगर मल्टी लाइन करने, फॉर एग्जाम्पल आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप क्या करो, ये डालो, स्टेरिक डालो, फिर से स्टेरिक डालो, इसको बंद करो, अब यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख दो. यहाँ नहीं आएगा, क्या है भाई? पूरा पैराग्राफ लिख दिया आपने. ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया अपने कोड का कि ये वाली फाइल क्या करती है, तो यहाँ लिख दो. ठीक है, सही है, जाएं, चलें स्टार्ट करते हैं. अच्छा भाई, भाई ये सब कुछ कमेंट्स के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा. ये एक एग्जांपल, उठ जाओ बीच से, बीच से उठो. कौन आया है, एक्स्ट्रा कौन आया है, जल्दी से उठ जाओ. अच्छा भाई, ये एग्जाम्पल दिए कि देखो कंसोल डॉट लॉग एक कोड लिखा, अब उसके ऊपर वो बता रहे लॉग द मैसेज टू द कंसोल. इस तरह रेलिवेंट चीज़ें लिखना. ठीक है, ये ना हो कि कोड कुछ हो और कमेंट आपने अपनी कोई कहानी लिख दी है, ऐसा नहीं है. जो है वही रेलिवेंट लिखना और कोशिश करना है कि शॉर्ट से शॉर्ट लिख के. ठीक है, बस ये थे कमेंट्स. अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोग्रामिंग ग्रामर. As I mentioned in the last chapter, a programming language is similar to a spoken language. मतलब जो हम जुबान बोलते हैं और जो programming language है वो मिलती जुलती होती है. In that each has its own grammatical rules and quirks. In this section we are going to take a look into how a programming language is written with some specific JavaScript example. अच्छा ठीक है भाई, ग्रामेटिकल रूल्स हैं. हर लैंग्वेज के अपने अपने ग्रामेटिकल रूल्स हैं. ठीक है, और कुछ उनकी आदात हैं या उनकी खसूसियात हैं, वो हर लैंग्वेजेस की अलग अलग हैं. इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टेक अ लुक इनटू हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटन विद सम स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल. सबसे पहला है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होती है? A program is made up of series of statements. For example, here are two statements in sudocode. Statement क्या है भाई? Store जो sudocode होता है ना, sudocode ज़रूरी नहीं है कि आप वो उस तरह ब्रैकेट्स में लिखो, आप अपनी इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हो. ठीक है भाई, इस तरह इसने sudocode लिखा हुआ है. Store response to please enter your name is as name. और क्या है, प्रिंट नेम टू स्क्रीन. पहले आप स्टोर करो रिस्पॉन्स और देन आप अलर्ट कर दो. अब जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे. ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है. इस तरह सीरीज ऑफ स्टेटमेंट चलती है, सीरीज ऑफ लाइंस चलती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. कोड जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है,
अपने माइंड में आप ऐसे रखें कि आप एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी ये रखो, क्योंकि ये तो सबको पता है ना, मैथ का एक क्वेश्चन होता है बड़ा सा, उसको आप सॉल्व कर रहे होते हो, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हो, कभी मल्टीप्लाई करते हो, कभी असाइनमेंट करते हो, कभी कुछ सपोज करते हो, कभी कुछ करते हो, तो ये सारे काम आप कर रहे होते हो, तो ये सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स चलती हैं, ठीक है। तो इस तरह उसने कहा कि ये एक स्टेटमेंट है कि हमने क्या करना है, अपना नाम स्टोर करना है और अलर्ट में शो करवाना है, ठीक है। एंडिंग लाइन्स विद सेमी कॉलन्स, अब ये जो सेमी कॉलन्स है ना, इसकी बात कर रहा है, आई फिनिश ईच लाइन अबव विद अ सेमी कॉलन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज अननेसेसरी। सेमी कॉलन सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ज़रूरी नहीं है, और लैंग्वेजेस में होता है ज़रूरी है। अच्छा, अगर जावास्क्रिप्ट में आप बगैर सेमी कॉलन के लाइन एंड कर दोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। कोई और लैंग्वेज आप लिखोगे तो उसमें अलग रूल्स होंगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है विद अ सेमी कॉलन, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप लगाओगे तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई और लैंग्वेज में फिर काम करने जाओ तो आपको आदत रहती है, ठीक है। और ये सेमी कॉलन का मतलब ही होता है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एंड हो गई है, इसका मतलब अब दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि बिलीव मी इट विल बी यूजफुल बाय द टाइम यू आर राइटिंग लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे तो तब आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। इफ़ यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट पर लाइन, यू डोंट नीड टू सेपरेट देम विद अ सेमी कॉलन। अगर दो लाइनें हैं तो आप उनको क्या करते हो, सेपरेट करते हो सेमी कॉलन के थ्रू, ठीक है। इस तरह तीन होंगी तो तीन सेपरेट हो जाएंगी, तो हमें पता चलता जाएगा कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। If you have, but it makes your code neater and more readable to have such statements on its own line. Code खूबसूरत हो जाता है और easily readable होता है, ठीक है। ये बार बार इन चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहा है, इसीलिए दे रहा है कि देखो अभी आप लोग start में हो, ठीक है। अगर आप अच्छा code लिखोगे ना तो क्या पता आपको इस अच्छे code लिखने की base पे ही projects मिल जाए, काम मिल जाए। अभी आपने enroll किया हुआ होगा उसके अंदर डिजी स्किल्स में, अगर कोई देख रहा है freelancing का, तो अब वो देखो आपको अकाउंट्स बनाना बताएंगे, ऑर्डर लेना बताएंगे, वो तो आप वहाँ से करोगे, लेकिन यहाँ से आप स्किल सीख रहे हो ना। आप अभी क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियोज नहीं है, ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप अपने कोड लिखोगे, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, ये क्लाइंट को शो करवाओगे ना, जिससे आप काम लोगे उसको क्या शो कराओगे, उसको क्या पता कि आपको काम आता है या नहीं आता। पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू लेगा आपसे, दूसरा अगर आप उसको कोड भी दिखा दोगे ना, आपकी गेटअप भरी हुई होगी, हरी भरी होगी, तो आपको इजीली काम या जॉब या कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। इस तरह तैयारी होती है ना, ये थोड़ी आपने कोर्स किया और आपने सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा के रख लिया तो आपको जॉब मिलेगी। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती, समझ आई? वैल्यू किसकी होती है, बंदे की अपनी होती है, जो उसको स्किल्स आती हैं, जो जिस तरह जितना अच्छा इंटरव्यू देता है उतना उसको फ़ायदा होता है। तो ये सारी आपकी अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए चीज़ें हैं, तो इससे बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। इसके हमने स्टेटमेंट्स देख ली क्या होती हैं, ये होती है, ठीक है। अब हो सकता है ना कि आपको कोई इंटरव्यू में टास्क दे दे ये लिख के, ठीक है, ये उसने सवाल लिखा है, तो अब आपको समझ आ जाएगी ना कि भाई अच्छा स्टोर करना है और ये क्या है। वो बोलेगा एक स्टेटमेंट में शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो जैसी वो स्टेटमेंट बोलेगा तो आपको समझ आ जाएगी स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। अब है हमारे पास ब्लॉक्स। अ ब्लॉक इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट आर कलेक्टेड टुगेदर। ये भी सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन ये समझे एक डब्बे में आपने बंद कर दिया है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग स्टेटमेंट इन साइड ब्लॉक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने तरीके होते हैं, हमने सबको तो देखना नहीं है, हमने स्पेसिफिकली किसको देखना है अभी, जावा स्क्रिप्ट को। सम डू इट बाई यूजिंग कीवर्ड्स टू सिग्निफाई एंड एंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ ब्लॉक्स। कुछ लिख देते हैं शुरू में स्टार्ट और नीचे एंड और दरमियान में पूरा ब्लॉक हो जाता है। वाइल अदर यूज इंडेंटेशन टू सिग्निफाई अ ब्लॉक। कुछ इंडेंटेशन होते हैं, जिस तरह ये इंडेंटेशन हुई हुई है ना, ये हेड जो है ना एक ब्लॉक है, इसके अंदर जो आ रहे हैं ना देखो वो इसके इस लाइन में नहीं आएंगे, आगे आएंगे, तो ये भी एक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, सही। जावास्क्रिप्ट क्या करता है भाई, वो तो कर्ली ब्रेसिस यूज करता है और उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन कर देता है। ब्लॉक ऑफ कोड हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, कहाँ डिफाइन किया है,
ये किया हुआ है ना, तो ये क्या है, ब्लॉक है, सही। याद रखिएगा ये ब्लॉक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपने ये याद रखना है कि ब्लॉक क्या है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट पैक टुगेदर, मतलब एक साथ हमने लिख दी हो और वो किसी ब्लॉक के अंदर हो, ठीक है। और ब्लॉक जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू आता है, ठीक है। नोट दैट ब्लॉक्स डोंट नीड टू बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकॉलन, ब्लॉक्स को तो हम टर्मिनेट नहीं करते, ठीक है, सेमीकॉलन के थ्रू। व्हाइट स्पेस क्या होता है भाई, कौन बताएगा, मैंने बताया था आपको। हाँ सही है भाई, यही व्हाइट स्पेस होती है, ठीक है। पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको। व्हाइट स्पेस सच एज स्पेसेस टैब्स एंड न्यू लाइंस, न्यू लाइन मतलब देखो ये फॉलो के बाद न्यू लाइन आई है तो ये न्यू लाइन हो गई, स्पेस मतलब इन दोनों के दरमियान में स्पेस, ठीक, और टैब्स मतलब चार या फिर दो स्पेसेस। इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कोड, क्या हुआ, मना कर चुका हूं मैं इनको, क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग मना करेंगे तो लैपटॉप लाना ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। व्हाइट स्पेसेस इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड, ठीक है। बेसिकली जो व्हाइट स्पेस है ना वो करता है क्या है कि आपको कोड को ना सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अब जब मैं ये सारी चीजें जब मैं आगे जा रहा हूँ ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो जब मैं ब्लॉक का नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या किस चीज की बात करूँ, मैं वाइट स्पेस का नाम लूंगा या फिर मैं स्टेटमेंट्स का नाम लूंगा, तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं इसको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। अच्छा भाई ठीक है, बस आपको ये याद रखना है वाइट स्पेस क्या है। अच्छा फिर हमारे पास है डेटा टाइप्स। अच्छा, एवरी वैल्यू इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ टाइप दैट डिस्क्राइब्स द डेटा इट कंटेन्स, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी कोई डेटा स्टोर करती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, टाइप होती है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। टाइप्स क्या कौन कौन सी होती है, हमने पढ़ी है ना 8 चैप्टर्स के अंदर, बताएं, दो टाइप्स पढ़ी हमने है, कलर और कंसोल, डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट तो पढ़ी नहीं हमने, जो देखें जो हमने पढ़ी है उसकी बात करें, अपना जो स्कोप है ना अभी लिमिटेड रखें, इन सब का स्कोप लिमिटेड है। अरे भाई डेटा टाइप्स दो पढ़ी हमने, स्ट्रिंग और नंबर, वो बोल रहा है स्टूडेंट नेम, कलर्स, कंपाइलर, भाई डेटा टाइप्स की बात हो रही है। ये आप लोग जो हंस रहे हो तो हंसते ही रहोगे और फिर मैं तो आगे निकल जाऊंगा भाई, सही है भाई, बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला कुछ भी। अच्छा भाई पढ़ लेते हैं इसमें, एवरी वैल्यू इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ टाइप दैट डिस्क्राइब्स द डेटा इट कंटेन्स, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग है, अल्फाबेट्स हैं, तो उसकी टाइप क्या होगी, क्या होगी, अल्फाबेट्स स्ट्रिंग होगी ना, और नंबर्स होंगे तो नंबर होगी, अभी हमने दो ही पढ़ी है, अब आगे जाके और भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस डिटरमिन्स हाउ द लैंग्वेज विल इंटरप्रेट एंड यूज द वैल्यू, साफ सी बात है अगर स्ट्रिंग होगा तो आप उसको प्लस नहीं कर सकते नंबर में, ठीक है, तो कंपाइलर को पता चल जाता है ये स्ट्रिंग आ रहा है, अब अगर कोई इसके अंदर नंबर प्लस करना चाहेगा तो प्लस तो नहीं होगा लेकिन जुड़ जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है। द डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट वैल्यू इट कैन टेक एंड व्हाट इट कैन डू, ठीक है। अब डेटा टाइप डिफाइन करता है कि कौन सी वैल्यू वो ले रहा है और उसके साथ वो क्या क्या कर सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और जस्ट प्रिमिटिव्स कहते हैं उसको। प्रिमिटिव्स आर इंप्लीमेंटेड एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसेंशियली मेकिंग देम अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम, ये बिल्कुल लो लेवल पे होती हैं, ठीक है, थीके? वो क्या होती है हम आगे देखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, मतलब इसकी बेस के ऊपर ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बेस के ऊपर और बड़ी बड़ी डेटा टाइप्स बनती हैं, ठीक है, कैसे हम देखते हैं आगे। प्रिमिटिव्स आर इम्यूटेबल विच मीन्स दे कांट बी चेंज और अल्टर्ड, ये इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते इनको और ना ही ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। मोस्ट लैंग्वेजेस इंक्लूड सम वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स,
अलग अलग लैंग्वेजेस के वेरिएशंस होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है हम देख लेते हैं। पहला है, सबसे पहले है करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? सिंगल, ठीक है, सिंगल वन, या फिर ए, या फिर टी, या फिर एट द रेट, या फिर स्ट्रिंग, सॉरी डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, स्टेरिक हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सब एक एक करेक्टर हैं, ठीक है। तो ये सिंगल करेक्टर लेती है, इस डेटा टाइप का मतलब है। और ये ओवरऑल जितनी हम डेटा टाइप्स अभी पढ़ेंगे ये किसके अंदर आएंगी? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। फिर आता है स्ट्रिंग, अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है भाई? वो तो लिखते हैं हम, वो तो लिखने का तरीका है। देखो ये करेक्टर है, ये एक एक करेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? हाँ, कलेक्शन, ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस कर दो, पूरा पैराग्राफ कर दो, पूरा एसे कर दो, ठीक है। कैसे होगा ये? इसी को बना दो ना, ठीक है भाई। ये चीजें याद रखनी है। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। होल नंबर का मतलब होता है पूरा नंबर, उसमें डॉट करके कुछ नहीं, ठीक है। तो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, माइनस हंड्रेड, माइनस थाउजेंड, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन पूरा होगा वो नंबर, उसमें पॉइंट्स नहीं होंगे, सही। फ्लोट क्या होता है भाई? पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। डेसिमल जो हम कहते हैं ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, सही है। परसेंटेजेस आती है ना डेसिमल में, और भी बहुत सारी चीजें डेसिमल में आती हैं, तो ये है, वो फ्लोट कहलाता है जावास्क्रिप्ट में। तो उसके बाद है बूलियन। बूलियन की दो ही वो होती है वैल्यूज, ठीक है। इनमें तो देखो ओपन एंडेड है ना, कोई करेक्टर आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। बुलियन में दो ही चीज होती है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, सही है। तो जब हमें कंडीशनल बेस कोई काम करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको बुलियन यूज करते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में इनरोल हो, तो या तो आप एक्टिव हो गए या फिर इनएक्टिव हो गए। उनका जो सॉफ्टवेयर होगा ना, उसके अंदर दो ही चीजें आ रही होंगी, या बंदा एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो मतलब वो है ही नहीं, स्कूल से चला गया लेकिन डेटा पड़ा हुआ है उसका। और जो एक्टिव होगा वो ट्रू होगा, सही है। जो इनएक्टिव होगा वो फॉल्स होगा। और जो जीरो होता है वो भी क्या होता है? फॉल्स होता है। और उसके अलावा वन टू थ्री वो उसको कंसिडर क्या करता है? ट्रू, ठीक है। जो जीरो होता है ना उसको क्या कंसिडर किया जाता है? फॉल्स। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट डजंट हैव अ चार प्रिमिटिव डेटा टाइप बट इट डज हैव अ स्ट्रिंग, ठीक है। देखो वो कह रहे हैं मैंने बता तो दिया, लेकिन जो करेक्टर है ना ये नहीं होता यहाँ पे, सही है। स्ट्रिंग ही होता है। अगर आपको एक करेक्टर देना है तो एक दे दो, तो वो करेक्टर वाली वो बन जाएगी, ठीक है। एंड अ चार कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे वार एज इज इक्वल्स टू वन, तो वो नंबर कहलाएगा, वो करेक्टर नहीं कहलाएगा। अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में दे दो तो तब वो क्या कहलाएगा? नहीं ना, सिंगल होगा तो करेक्टर, अगर कलेक्शन हो गई तो स्ट्रिंग, ठीक है भाई। जावास्क्रिप्ट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीजर्स एंड फ्लोट्स ईदर, इट हैज अ सिंगल प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ नंबर्स। तो फ्लोट और जो नंबर्स हैं, जावास्क्रिप्ट उनको क्या कंसीडर करता है? नंबर ही कंसीडर करता है, ठीक है। और लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि वो फ्लोट भी कंसीडर किए जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे नंबर्स को क्या कंसीडर किया जा रहा है? नंबर ही, चाहे वो होल हो या फिर वो फ्लोट हो, ठीक है भाई। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा वो लुकमा दे और पूछ ले, हाथ हैंड रेस करे और पूछ ले, ठीक है। माथों पे बल जो नजर आ रहे हैं उसका मैं क्या करूं, कुछ पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना यार, सही है भाई। अच्छा भाई, बुलियंस आर वन ऑफ द प्रिमिटिव इंक्लूड्स इन जावास्क्रिप्ट। प्रिमिटिव्स ये वाली इंक्लूड्स होती हैं, बुलियन वाली, ठीक है। ये मौजूद है ट्रू या फिर फॉल्स। और अच्छा, वो यहाँ पे चैप्टर भी बताता है कि हम इसके ऊपर और भी गौर करेंगे चैप्टर 4 में और चैप्टर 6 में।
symbol, begint and undefined. JavaScript also has three other primitive values: symbol, begint and undefined. We won't be covering symbol and begint in this book, and they don't tend to get used as much as the other primitive values. ठीक है भाई, तो ये मैं आपके असाइनमेंट में डाल दूंगा कि begint और symbol के बारे में लिखें कुछ ढूंढ के. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मैं इस बुक में कवर नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर यूज नहीं होती. सही है, एज द हाउएवर अनडिफाइंड इज ब्रीफली कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर. तो अनडिफाइंड जो है ना वो कवर्ड है, हम आगे जाके देखेंगे अनडिफाइंड क्या होते हैं. अच्छा, ये जो अनडिफाइंड होती है और नल होती है ना, इससे इंटरव्यूज में लोग ट्रिकी क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, उसमें बंदा फंस जाता है. तो हमें जब हम ये चीज़ें पढ़ें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम गौर से पढ़ें और याद रखें या रिपीट करें घर जाके, ताकि हम भूलें ना कभी. सिंस यू विल प्रॉब्ली सी इट एवरी नाउ एंड देन इन योर कोड, यू कैन रीड मोर ऑल अबाउट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज इन जावास्क्रिप्ट. इस लिंक पर क्लिक करो और जो और भी डेटा टाइप्स हैं वो आप देख सकते हो. ठीक है, ये जो लिंक होगा ये हमेशा क्या होगा, अपडेटेड दिखाएगा. अगर कोई नई डेटा टाइप भी कोई ऐड करी है किसी ने जावास्क्रिप्ट वालों ने, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी. ठीक है, फिर हमारे पास है कंपोजिट डेटा टाइप्स आर मेड अप और कंपोज्ड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. कंपोजिट का मतलब है मिला के बनाई हुई हमने. ठीक है, डेटा टाइप्स इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट. जावास्क्रिप्ट हैज टू मेन कंपोजिट डेटा टाइप्स, एरे, जो कि हम कवर करेंगे किसमें, चैप्टर 5 में. वैसे हम देख चुके हैं एरे, हमने चैप्टर 1 में एरे देखा है कहीं, एरे देखा है प्रोग्राम में, एरे देखा है. रेमबो के कलर्स थी ना, लिस्ट एरे ही कहलाती है. अब वो कैसे बनी हुई है, उसके अंदर स्ट्रिंग के क्या है, पार्ट्स है ना, एक कलर का हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा हो गया. तो ये मिल के क्या बनी हुई है, स्ट्रिंग से मिल के क्या बनी हुई है, कंपोजिट डेटा टाइप, जो कि क्या है हमारे पास, एरे है. एरे दो ही होती है, एरे एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो एरे है वो हम चैप्टर 5 में पढ़ लेंगे और जो ऑब्जेक्ट है हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में. तो बोथ ऑफ दीज कंपोजिट डेटा टाइप्स आर म्यूटेबल. हमने ऊपर पढ़ा था जो वो वाली क्या है, इम्यूटेबल है. ये वाली क्या है, म्यूटेबल है. विच मीन्स दे कैन बी अपडेटेड आफ्टर दे हैव बीन क्रिएटेड. इनको हम अपडेट भी कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने काउंटिंग लिख दी 1 से 10. मैं कोड के थ्रू क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर 11 भी पुश कर सकता हूँ, 12 भी पुश कर सकता हूँ. ठीक है, मैं उधर तो 10 ही रहेगा, लेकिन जैसे आपका कोड चलेगा ना, मैंने कोड लिखा होगा कि इसके अंदर दो और वैल्यूज आ जाए. ठीक है, तो इस तरह हम म्यूटेबल जो कि होती हैं कंपोजिट डेटा टाइप्स, उनके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अभी बस हमें नाम याद रखने, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर करेंगे. अच्छा, और भी है, मैप एंड सेट. जावास्क्रिप्ट आल्सो हैज दी अदर कंपोजिट डेटा टाइप्स कॉल्ड मैप एंड सेट, बट वी वॉन्ट बी कवरिंग देम इन दिस बुक. अगर आपको देखनी है तो आप क्लिक कर लो और यहाँ पर देख लो, हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं इनको यूज कर लें. ठीक है, अच्छा, जो कुछ लिंक्स दिए होते हैं ना जब आप बुक्स पढ़ रहे हो, बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, अगर मेरी वीडियोस जाकर सुनोगे तब भी कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक आप इन डेप्थ बुक को ना पढ़ो. सही है, अच्छा भाई, हाँ यार, मैं ये खोल के दिखाऊँ आपको. ये जो है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आ रही हैं, उनका लिंक है. अब इसमें देखो नया आ गया, नया नल भी आ गया, जो कि हमने वहाँ नहीं देखा. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये वो है मोज़िला फायरफॉक्स वाली. और ये मैप और सेट है. अभी देखो मैप के बारे में उसने कहा था ना कि हम कवर नहीं करें, लेकिन यहाँ पे उसने सारी चीज़ें बताई हुई हैं. अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है. ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम यूज़ कर लें इसको, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है. अच्छा, व्हाट टाइप आर यू, लेट्स डू सम कोडिंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स दैट जावास्क्रिप्ट यूजेस. अब थोड़ा सा कोड कह रहे हैं, हम लिखते हैं. देर आर स्पेशल ऑपरेटर्स कॉल्ड टाइप ऑफ. यार मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया, कोई आएगा यहाँ पे पढ़ेगा इसको, कौन आएगा, कौन आएगा, बहादुर आएंगे, आ जाओ बहादुर. वो कह रहे हैं कि टाइप ऑफ के नाम से हमारे पास एक चीज़ है, वो क्या करती है. हम एक काम करते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया, अभी तक तो हम वार ही पढ़ा है ना हमने, वार नेम इज इक्वल्स टू
अहमत कर दिया। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ कंसोल डॉट लॉग ज़रूरी नहीं है, वैसे ये कंसोल ही है, तो जो कंसोल डॉट लॉग लिखने की वो थी ना वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। जब आप इसके आगे वेरिएबल का नाम लिखते हो ना तो आपको ये क्या बताता है, आप इस तरह वेरिएबल कहीं को आप फंस गए, आपका एक प्रोग्राम है वो चल रहा है, वो आपको सही वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप टाइप ऑफ लगा लगा के चेक करते हो भाई, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू ये थी ये थी ये थी, इस तरह आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा वार एज इज इक्वल्स टू, आप अभी 15.5 साल के हो, सही है भाई, तो टाइप ऑफ एज क्या गया, नंबर आ गया। ठीक है, ये बात कर रहा है। अच्छा भाई हम एक काम करते हैं ना, हम अपनी इस क्लास में भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब चला के देखते हैं इसको। हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं नेम का, और ठीक है कंसोल करते हैं टाइप ऑफ नेम। नेम जो है ना वो आपका कीवर्ड है, इसलिए वो क्रॉस दे रहा है मुझे, सही है। तो जब इस तरह क्रॉस दे देना तो आप अपने वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हो, सही है, चेंजेस कर दो ताकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना आए। यार वो कंसोल है ना, ये आपका वो है, वहाँ पे जो चीज़ें वो इस तरह नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, आप इसको क्या कर लो, यहाँ से स्ट्रिंग और नंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप वो हम कोड चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आप ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल बनाओ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो चेक करने के लिए। हम इसको ले लेते हैं ऐसे, ये ऐसे चलेगा, चलेगा जी, चलना चाहिए। चलना चाहिए जी सर, नहीं चला क्यों हैं, कमेंट नहीं हुआ। मैंने अभी तो बताया ये कंसोल डॉट लॉग मुझे यहाँ तो लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ ही ऑलरेडी कंसोल में, इसलिए वो जल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप क्या काम करो, अच्छा छोड़ो इसको, कंसोल ही कर लेते हैं। मतलब समझा नहीं, तो यार वो अच्छा थोड़ी लगेगा, कर तो आप सकते हो, पैराग्राफ लिख दो पूरा उसके अंदर। ठीक है, देखो बेसिकली जो कंसोल होता है ना वो आप अपनी उसके लिए लिखते हो। ठीक है, कि आप को अगर कुछ डीबग करना है या कुछ करना है तो तब कंसोल लॉग लिखो, यूजर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है भाई, इन सब की वो आ गई। स्ट्रिंग नंबर, बुलियन हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। इस पर क्लिक करो, ये देखो ये फाइल यहाँ भी खुल जाएगी। ये जो है ना, ये क्या था, ऑब्जेक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऑब्जेक्ट। एरे भी जो होता है ना, एरे, इसकी भी जो टाइप है ना, जावास्क्रिप्ट क्या रखता है, ऑब्जेक्ट ही रखता है। तो आपसे कोई पूछे कि एरे की डेटा टाइप क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, और ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, और फंक्शन की फंक्शन है, ठीक है। अच्छा भाई हो गया ये जी, बस किसने बोला। अच्छा भाई, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं ना यार, इसलिए ये जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं हम लोग। एन ऑपरेटर अप्लाइज एन ऑपरेशन टू अ वैल्यू विच इज नोन एज द ऑपरेंड। अ यूनरी ऑपरेटर ओनली रिक्वायर्स वन ऑपरेंड टाइप ऑफ इन एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है भाई, जो ऑपरेटर है ना वो क्या करता है, कोई भी एक ऑपरेशन इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है किसके ऊपर, किसी भी वैल्यू के ऊपर। आप प्लस देते हो तो प्लस को कितने वो चाहिए, दो चाहिए। ऑपरेंड कितने चाहिए, दो, ए या बी या वन या टू, सही है। ये जो टाइप ऑफ है ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है, लेकिन इसको कितने चाहिए होते हैं ऑपरेंड, वन ही चाहिए ना। आप उधर नाम लिखो, जो भी वैल्यू लिखो उसकी आपको वो क्या बता देगा, टाइप। द ऑपरेटर इज टाइप ऑफ, इसमें जो बता रहा है आपको, देखो द ऑपरेटर क्या है, टाइप ऑफ, और जो स्ट्रिंग है या वैल्यू है वो क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, कोई आपसे पूछे ना कि ऑपरेंड क्या होता है तो क्या बताओगे, हाँ नहीं यार, ऑपरेंड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अगर माइनस है और जो दो यहाँ पे वैल्यूज हैं तो दोनों क्या होंगी, ऑपरेंड होंगी। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड, फॉर इंस्टेंस दिस, ये जो प्लस है ना ये क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेटर ना, माइनस भी मल्टीप्लाई भी और वो भी, तो इसको प्लस के लिए क्या है भाई, दो चीजों को आपस में प्लस किया जाएगा, तो दो ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, देयर इज ऑल्सो टर्नरी ऑपरेटर दैट इज यूज टू evaluate logical statement and requires three operand, ठीक है, उसको three operand चाहिए होते हैं। वो क्या है, chapter 6 में देखेंगे। अभी आपको क्या समझना है इस वाले उस पूरे में, कि operator क्या होता है, क्या होता है operator, plus का हो गया, divide हो गया, modulus हो गया, minus हो गया, ये सारे क्या है, operators, और जो values होंगी वो क्या होंगी, क्या होंगी, math तो नहीं आ गई इसमें ज्यादा, मैथ ही तो है सारी, ठीक है, लेकिन ये अच्छी मैथ है ना, उसकी तरह नहीं है ये, तो आपको सामने जो है ना चीज़ें नज़र आ रही है ना होती भी। अच्छा जी, फिर हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स, कौन बताएगा वेरिएबल्स, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ कोई बताना चाहेगा, टाइप्स को फॉलो करती है ना वो कहते हैं कि जब आप एक दफ़ा वेरिएबल बना रहे हो तो उसकी टाइप डिफाइन कर दो, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में तो टाइपिंग है ही नहीं, तो हम कुछ भी ऑन द फ्लाई जो है ना चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है। और डिक्लेयर और डिक्लेयरिंग और असाइनिंग में ये होता है कि देखो, डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि वार ए आपने किया, ये डिक्लेयर हो गया, वार ए इज इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गई, असाइनमेंट भी हो गई इसके अंदर। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हो ना, वार ए, अभी आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, आप यहाँ आए, आपने कहा कुछ भी परफॉर्म हो गया, तो अब जो ए की वैल्यू है ना वो स्टूडेंट नेम हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई है, असाइनमेंट जो भी है, असाइनमेंट हुई है, और यहाँ पे क्या हुई है, डिक्लेरेशन हुई है। तो जो दूसरी बात वो कह रहे हैं ना, यहाँ पे दूसरी बात ये कह रहा है कि इन अ स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग टाइप वही होती है जिनके अंदर पहले से हमें टाइप्स डिफाइन करनी होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं ना यार, एक सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप यहां पे क्या बता रहे हो,
इंट, इंट का मतलब क्या है? क्या हुआ मुझे भी बताओ यार, ये जो लैपटॉप वाला रिवाज है ना, ये बड़ा गंदा हो चुका है। इससे ना बंदे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था बताओ, आप बताओ। नहीं नहीं मैं क्या बता रहा था ये बताओ, उसको छोड़ो। अभी क्या बता रहा था, ये वेबसाइट क्यों खोल ली मैंने? स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या होती है भाई? स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं होती, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, सही है। अब देखो यहां पे जो वेरिएबल डिफाइन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? इंट हो रहा है, मतलब अब इसके अंदर इंटीजर के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अगर आप कुछ चेंज करोगे ना तो एरर दे देगा वो, ठीक है जी। इंटीजर, इंटीजर नंबर होते हैं ना, ठीक है। ये दूसरी लैंग्वेजेस जो है ना उनके अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, हमने वार वेरिएबल का नाम दिया, कोई भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसी के, इसी वजह से इसके ऊपर आई है टाइप स्क्रिप्ट, सही है। जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, वो क्या करती है, वो आपको कहती है कि आप जो है ना कोई भी वेरिएबल डिफाइन करो तो उसकी टाइप भी डिफाइन कर लो। मैं आपको एक सहूलत दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन इन दी एंड जो टाइप स्क्रिप्ट में आप कुछ भी लिखते हो ना, वो कंपाइल होता है और वो जावास्क्रिप्ट बनती है। वो जावास्क्रिप्ट जो है ना, फिर वो ब्राउजर रीड करता है। तो ब्राउजर जो हमेशा रीड करेगा वो क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट ही। आप कुछ भी लिख दो ऊपर, सारा कुछ इंग्लिश में लिख दो, लेकिन जब कंपाइल होता है तो वो जावास्क्रिप्ट बनती है। और जो टाइप स्क्रिप्ट है, वो उसका नाम भी इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट दिया है क्योंकि वो टाइप्स को मैच करती है। अगर आपने एक दफा वेरिएबल इंटीजर से बनाया तो उसके अंदर स्ट्रिंग नहीं जाएगा, ऐसी होना चाहिए ना, सही है। जेंडर तो चेंज नहीं होता ना किसी का। अब देखो जिस तरह ये है, ए है, जिस तरह हमने वैल्यू चेंज कर दी, बाद में तो जेंडर चेंज नहीं कर सकते आप, जेंडर तो वही रहता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बर्तन बनाया है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल आता है, ठीक है। अगर आप पानी उसके अंदर डालोगे तो वो, अगर आपने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई तो वो पानी को बाहर फेंक देगा, कोई मशीन ऐसी बनाई वो पानी को बाहर फेंक देगा। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्री डिफाइन होती हैं कि इसके अंदर इसी टाइप की चीज़ आएगी। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है तो नहीं है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइप्स को फॉलो करना है तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करना शुरू कर दो, सही। सारी बातें यही थी जो ये बताना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा ये कह रहे कि वी माइट यूज द फॉलोइंग कोड इन अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। ये वाला जो कोड है ना, ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है। देखो उसने क्या किया, लेट नेम या वार नेम क्या बता दिया उसको, कॉलन देके स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारी वाली लैंग्वेज है वो कौन सी है? वीकली टाइप्ड है, इसके अंदर टाइप्स का कोई चक्कर ही नहीं है, सही है। मेरे ख्याल में बहुत है, थ्योरी है ना यार, कोड तो हमने कोई देखा ही नहीं अभी तक, तो क्या करें। अच्छा आप लोगों का असाइनमेंट एक तो ये है, बुक है ना, बुक सबके पास, बुक का नंबर डाल दूंगा मैं, बुक का पेज नंबर, वहां से आप लोगों ने असाइनमेंट चेक करना है। और कोड पेन सब बना लोगे, कोड पेन का अकाउंट, ठीक है। कोड पेन जो कल बताया था ना आपको, क्या कोड पेन लिखो यहाँ पे, आ जाएगा यहाँ पे, साइन अप कर लो, साइन अप विद गूगल कर लो, ठीक है। हाँ आपकी मर्जी है, किसी के साथ भी कर लो, ठीक है। अच्छा बस ये कर लो, और जब आप लॉगिन करोगे तो वो आ जाएगा, सेव करके सेंड कर देना, ठीक है। तो इस सब्र करें सर, चैलेंजेस ये सारे, ठीक है। स्क्रीन रिमूव करता हूँ जल्दी से, चैलेंजेस देख लो, कोई इशू नहीं है तो फिर हम रैप अप करते हैं क्लास को।